एवोल्यूशन संस्था नगर निगम व स्मार्ट सिटी द्वारा 14 जनवरी 2024 को एक मैराथन दौड़ का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी तैयारी को लेकर आज गांधीनगर स्थित डॉक्टर मोनित अग्रवाल के नर्सिंग होम पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें जानकारी देते हुए बताया गया कि 14 जनवरी 2024 को मुरादाबाद के सोनकपुर स्टेडियम से एक मैराथन दौड़ का आयोजन किया जा रहा है, जो 3 प्रकार की रखी गई है। बच्चों 12 साल व उससे छोटों के लिए 200 मीटर, 13 साल के बच्चे व उससे बड़े लोगों के लिए 5.5 व 10.5 किलोमीटर दौड़ का आयोजन किया जा रहा है। इस दौड़ करने का उद्देश्य पर्यावरण एवं सेहत के प्रति लोगों को जागरूक करना है। जानकारी देते हुए बताया गया कि 14 जनवरी की सुबह 8 बजे सोनकपुर स्टेडियम से इस दौड़ की शुरुआत होगी। इस दौड़ में शामिल होने वाले सभी प्रतिभागियों को सुबह 7 बजे सोनकपुर स्टेडियम में पहुंचना है। इस मैराथन दौड़ के लिए ऑनलाइन व ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए गए हैं। 12 साल से छोटे बच्चों के लिए रजिस्ट्रेशन फ्री है। उनसे बड़े लोगों के लिए 5.5 किलोमीटर के लिए 200 रुपये व 10.5 किलोमीटर के लिए 300 रुपये का रजिस्ट्रेशन रखा गया है। मैराथन में 5.5-10 किलोमीटर दौड़ने वालों को एक टी शर्ट सर्टिफिकेट फ्री दिया जाएगा। सभी प्रतिभागियों को मैराथन कंप्लीट करने पर मेडल दिया जाएगा। अन्य सारी जानकारी आपको वेबसाइट www.greennathanmuradabad ऑर्गेनाइजेशन पर प्राप्त हो जाएगी। जो आप मैराथन दौड़ होने वाली है, किस संस्था की तरफ से होने वाली है, उसका क्या उद्देश्य है? मेरा नाम डॉक्टर मोनित अग्रवाल है, मैं न्यूज़ सर्जन हूँ। हम लोग 14 जनवरी 2024 को एक मैराथन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसको हमने ग्रीन मैराथन का नाम दिया है। ये मैराथन हम स्मार्ट सिटी और नगर निगम के साथ मिलकर कर रहे हैं। इसका मेन उद्देश्य है पब्लिक में अवेयरनेस देना कि लोग हेल्दी हों, वॉक करेंगे, मैराथन करेंगे, भागेंगे तो हेल्दी रहेंगे। हमारी संस्था जो है वो है ग्रीन रेवोल्यूशन सोसाइटी, जिस सजने से हम इसको कर रहे हैं। उसके अंदर हमारा उद्देश्य होता है, हम शहर में पेड़ लगाते हैं, जो गंगा के किनारे हैं ये नाले उनकी सफाई करते हैं और वाटर कंजर्वेशन करते हैं। हम लोगों का मेन उद्देश्य यही है कि जितना हो सके उतना लोगों में हेल्थ के अवेयरनेस आए। जितने पेड़ लगेंगे, ग्रीन रहेंगे, उतना ही आप स्वस्थ रहेंगे, ये हमारा उद्देश्य है। किन किन कैटेगरी में ये होने वाली है और क्या इसके लिए रजिस्ट्रेशन की क्या सुविधा है और क्या क्या प्राइजेस रखे गए? जी, ये जो है 2 तरीके के हैं, 1.5 किलोमीटर की और 1.5 किलोमीटर की। ये सुबह 8 बजे शुरू होगी सोनकपुर स्टेडियम से। 5.5 किलोमीटर का रूट है सोनकपुर स्टेडियम से पीसी तराया, वहाँ से गैलेक्सी अपार्टमेंट, उसके बाद ठंडी सड़क वापस पीसी तराया, वहाँ से सोनकपुर स्टेडियम। 10.5 किलोमीटर का जो है वो है सोनकपुर स्टेडियम से शुरू है, उसमें पीसी तराया, वहाँ से CMO ऑफिस, महिला थाना, पीली कोठी, फिर किले तक। किले से जो लेफ्ट में जो नया सोनकपुर ब्रिज जा रहा है उसे पार करना है, वहाँ से वापस सोनकपुर स्टेडियम, वहाँ आके इसका फिनिश होगा। और इसके अंदर रजिस्ट्रेशन फीस रखी है हमने 5.5 किलोमीटर की रखी है 200 रुपये और हमने 10.5 किलोमीटर की 300 रुपये, जिसमें हम एक टी शर्ट जो भी भागेगा उसे हम फ्री देंगे, साथ में सबको सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन देंगे और जो मैराथन कंप्लीट करेगा उसे मेडल ऑफ ऑनर देंगे उसे कंप्लीट करें। इसमें हमने प्राइज भी रखे हैं, जो महिला और पुरुष के अलग प्राइजेस हैं, कैटेगरी अलग अलग है, प्राइजेस सेम है। फर्स्ट आने वाले को 10.5 किलोमीटर में 21,000 रुपये, सेकेंड आने वाले को 11,000 रुपये और थर्ड आने वाले को 51,000 रुपये। 5.5 किलोमीटर के अंदर फर्स्ट आने वाले को 11,000 रुपये, सेकेंड आने वाले 5,100 रुपये और थर्ड आने वाले को 2,100 रुपये। ये हमने प्रोत्साहन राशि रखी है। क्या उम्र की कोई समय सीमा है? इसके अंदर हमने एक और भी कराया, आपने सही पूछा, 12 साल से छोटे बच्चों के लिए एक हमने कहा रन फॉर फन। सोनकपुर स्टेडियम में ही 200 मीटर की उनकी दौड़ होगी, उसमें 100 प्रतिभागी जो भी होंगे उनको हम एक गिफ्ट हैम्पर देंगे, कितने भी थे, और इसमें कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं रखी है, ये निःशुल्क है। ऐसे ही हमने उन मरीजों के लिए जिनके घुटनों का रिप्लेसमेंट हुआ होता है, नी रिप्लेसमेंट होता है, उनके लिए रखी है हमने 400 मीटर की दौड़ स्टेडियम के अंदर ही, और उन सबको हम एक मेडल देकर पुरस्कृत करेंगे, वो उनके लिए प्रोत्साहन होगा। और हमें बहुत अच्छा लगा कि जिनके नी रिप्लेस हुए हैं, जिनमें लोग कहते हैं कि जी चल भी नहीं पाते हैं, वो जब लोग देखें दौड़ते हुए तो बहुत प्रोत्साहित होंगे। इसके साथ ही क्या तैयारियां चल रही हैं, कब तक इसकी तैयारियां हो रही हैं और रजिस्ट्रेशन के लिए कहां जाना पड़ेगा, क्या कोई सेंटर बनाया गया? जी, इसके लिए हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की है। इसके लिए एक वेबसाइट भी करी है, www.greenathon-greennathanmuradabad.com
मुरादाबाद.com जिस पर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं आप। और उसके बाद इसके अंदर हमने ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी रखे हैं जो फॉर्म्स प्रकाशित कर दिए जाएंगे। और उसके लिए हमने शहर में 4 सेंटर रखे हैं, एक कॉस्मोस हॉस्पिटल जो कार्ड रोड पर हुआ, दिल्ली में हमने रखा है दिल्ली रोड पर हमने रखा है सिंगल एंटरप्राइजेस, और हमने रामपुर रोड पर रखा है हमने दिव्या डायग्नोस्टिक सेंटर और BMC हॉस्पिटल, जहाँ लोग अपने राशि भी और अगर फॉर्म भी सबमिट कर सकते हैं। क्या क्या कुछ आगे या पीछे कुछ डेट होने की संभावना है, क्योंकि इसमें सर्दी थोड़ी ज्यादा है? देखिए सर्दी ज्यादा है, पर मजा तो सर्दी में ही भागने का है। शुरू में सर्दी लगती है, जहां आपने 100 मीटर भागा फिर आपको पसीना शुरू हो जाता है, और सर्दी के अंदर ही बीमारियां बढ़ती हैं। और हम यही चाहते हैं कि लोग सर्दी में भी छोड़ के बैठे ना रहे, वो थोड़ा आगे चले, वॉक करें। ये हम संदेश देना चाहते हैं लोगों को कि ठंड से डर के आप बैठे मत, उससे बीमारी बढ़ेंगी। आप एक सवाल और डॉक्टर साहब, क्या जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, मान लीजिए किसी कारणवश रह जाते हैं, तो क्या उन्हें हाथों हाथ भी भागने का मौका दिया जाएगा? उन्हें भागने का मौका मिलेगा, लेकिन उनको हम टी शर्ट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि टी शर्ट हम जो बनवाएंगे उसके हम एक उससे से बनवाएंगे जिससे लोग भागेंगे। ये रजिस्ट्रेशन होगा, हाँ उनको बिल्कुल भागने का मौके तो हम रोक नहीं सकते किसी को भी है, लेकिन हम टी शर्ट नहीं दे पाएंगे। प्रोत्साहन राशि या जो उपहार है वो हमको मिलेगा। अप टू 12 जो बच्चों आप भागने के लिए कह रहे हैं, उनका अगर रजिस्ट्रेशन वो नहीं करा पाते हैं तो उनको भी मौका मिलेगा? हाँ मौका बिल्कुल मिलेगा उनको, लेकिन प्रोत्साहन राशि जो है हम पहले 100 जनों को दे पाएंगे जिनके रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। इसके अलावा क्या अपील करना चाहेंगे महानगर मुरादाबाद के लोगों से? ज्यादा से ज्यादा लोग आए, ज्यादा लोग उसके अंदर सहभाग करें, और वो अपने हेल्थ का ख्याल रखें। ये बहुत बड़ी मैराथन हो रही है जिसमें 1000 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स की उम्मीद है, और एक हमें बहुत उम्मीद है कि बात हमारी हुई है कि अगर मोहम्मद शमी अगर उस दिन फ्री हुए तो जरूर आएंगे से पार्टिसिपेट करने के लिए। पीयूष चावला जी वो आएंगे, और ऐसे कुछ और एथलीट्स हैं जिन्हें आने की उम्मीद है। हमारी कुछ राजनेताओं से भी बात हुई है जिसमें रितेश गुप्ता जी वो है, बेस्ट जी हैं भूपेन चौधरी जी हैं, और जितेंद्र प्रसाद जी जिनके आने की हमें संभावना है, डॉक्टर शेफाली सिंह हैं, डॉक्टर विनोद अग्रवाल जी हैं जो मेयर साहब हैं, ऐसे कई नेताओं की और साथ में शहर के गणमान्य लोगों की, जैसे TNU के जैन साहब हैं, या फिर IFTM के हुए कोठीवाल, जनरल कॉलेज के, MIT कॉलेज के व अन्य। ग्रीन नोट द्वारा ये पहली बार आयोजन किया गया जी, ये ग्रीन रिवॉल्यूशन और हम बैठक में पहली बार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और काफी बड़े स्तर पर कर रहे हैं इसको। हमारा उद्देश्य में यही है कि जिसके जितना हो सके उतना लोगों में हेल्थ को लेकर अवेयरनेस आए, और हमारी यही है उम्मीद कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें आके पार्टिसिपेट करें।